राजधानी में एक बार फिर मामूली बात पर चाकूबाजी की वारदात हुई है। घटना गुड़ियारे स्थित झंडा चौक की है, जहां दो नाबालिग दोस्तों ने दो भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक नाबालिग की मौत भी हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज मेकहारा अस्पताल में चल रहा है। दरअसल आरोपियों और दोनों भाइयों के बीच 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। रायपुर एएसपी लखन पटले ने बताया कि गुड़ियारी इलाके के झंडा चौक पर दो नाबालिग पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान दो नाबालिग दोस्तों से मिलकर दो भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाते समय 17 वर्षीय एक नाबालिग, जिनके पैर में वार किया गया था, उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गुड़ियारी अंतर्गत झंडा चौक में कल धारदार हथियार से दो भाइयों को दो दोस्तों ने मारा है, जिसमें एक की मौत हो गई है, दूसरा घायल है जिसका इलाज चल रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी में एक प्रकाश सोना करके है, जो 18 साल का है और एक विधि के साथ संघर्षरत है। इनका 5,000 रुपये के लेन देन के कारण विवाद हुआ था, पूर्व में भी विवाद हुआ था, आज उसका तात्कालिक रूप से कल ये लोग आपस में मिले और इस प्रकार से घटना घटी थी। इसके माता पिता भी पूर्व में जेल में थे। हाँ, इसमें जो प्रार्थी हैं, जो मृतक हैं, उसके माता पिता किसी मामले में जेल में हैं।